तरह से छात्र और नौजवान लगातार बेगूसराय के अंदर भटक रहे हैं, लगातार परीक्षा फॉर्म के नाम पे चाहे एडमिशन के नाम पर भटक रहे हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सजग सिंह लगातार जब तक ये थे तब तक छात्र छात्राओं को दिल में बसते थे, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। हमें दुख है, लेकिन इनका जो सपना था बेगूसराय में राजकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय हो, छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा हो, विभिन्न मांगों को लेकर लगातार ये सड़कों पर डटे रहे और छात्र छात्राओं का आवाज बनने का काम किए। सजग डे के रूप में SBSS कॉलेज में मनाई गई दिगंबर जिलाध्यक्ष सजग की जयंती, बेगूसराय के छात्र छात्राओं के हक और हुकूक की आवाज़, अपने जीवन को छात्र हितों में समर्पित करने वाले ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के दिगंबर जिलाध्यक्ष सजग सिंह न सिर्फ एक संगठन के जिलाध्यक्ष थे बल्कि बेगूसराय के तमाम छात्र संगठनों राजनीतिक दलों के दिलों पर इसीलिए राज करते थे कि वो छात्रों के साथ किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करते थे। उपयुक्त बातें अपने संगठन के दिगंबर जिलाध्यक्ष सजग सिंह के जन्मदिवस के मौके पर SBSS कॉलेजों में छात्रों को संबोधित करते हुए AISF के छात्र अध्यक्ष अमीन हमजा ने कहा। उन्होंने कहा कि साथी सजग सिंह छात्र नौजवानों के हक की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ चुके थे। वह न सिर्फ संगठन के मजबूत सिपल हाल थे बल्कि अपने अच्छे मित्र भी थे जिनकी कमी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार ने कहा कि हमारा संगठन साथी सजग को कभी भूल नहीं सकता। उनके जन्मदिवस पर हमारा संगठन ऐलान करता है कि उनके पुण्यतिथि पर पिछले साल की तरह इस साल भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि साथी सजग के नेतृत्व में पूरे बेगूसराय के अंदर हर अंचलों पर संगठन मजबूत हुआ था, जो अभी तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाक उल्ला खान के विचारों आदर्शों पर चलकर उनके विरासत को बचा रहे हैं। ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैसर रेहान और बेगूसराय के संगठन के खेल प्रकोष्ठ के संयोजक मधुकर सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि सजग क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे और वो चाहते थे कि खेल और खिलाड़ियों को उनका उचित सम्मान मिल सके। उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए उनके पुण्यतिथि पर बड़े खेल का आयोजन हमारा संगठन करेगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 29 नवंबर 2022 को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन अपने दिगंबर जिलाध्यक्ष सजग सिंह की जयंती के मौके पर SBSS कॉलेजों में उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करके सभा का आयोजन कर मनाया। सभा की अध्यक्षता SBSS कॉलेज इकाई अध्यक्ष वसंत कुमार कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान SBSS कॉलेज इकाई कोषाध्यक्ष विपिन कुमार, मनीष कुमार, अमन कुमार, दीनबंधु, रोशन कुमार, गौरव कुमार इत्यादि थे। BNP न्यूज़ के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, आज हम लोग नम नमकों के साथ सजग सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जो इनका सपना था भगत सिंह का, सपनों का देश बेगूसराय में, बेगूसराय के तमाम कॉलेजों में शिक्षा का वातावरण करने का, जो लगातार छात्र नौजवानों को दिल में बसे थे सजग सिंह, आज से 2 साल पहले हम लोग को छोड़कर चले गए। लेकिन इनका जो सपना था बेगूसराय में राजकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विद्यालय, छात्राओं को निःशुल्क सुविधा, निश्चित तौर पे लगातार हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन लगातार लड़ रहा है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इनका जो सपना था, इनका जो कहावत था, निश्चित तौर पे हम हासिल करेंगे, तब हम जाकर इन्हें सही जन्मदिन मना पाएंगे। आज सजग सिंह की जयंती है, इसमें आपको क्या कहना है? इस देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाला छात्र संगठन AISF के बेगूसराय के दिवंगत जिला अध्यक्ष सजग सिंह, जो सिर्फ जिला अध्यक्ष ही नहीं थे, वो हमारे अच्छे भाई और अच्छे मित्र थे, उनका आज जन्मदिन है। और उनका जन्मदिन आज हम लोग नम आँखों से मना रहे हैं। वो 24 दिसंबर 2020 को हम लोगों को और एक छात्रों की बड़ी फौज को, जो बेगूसराय के अंदर उन्होंने अपने हाथों से खड़ा किया था, छात्रों की बड़ी फौज को वो छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गए। निश्चित तौर पर ये काफ़ी दुखद है और नम आँखों से आज हम लोग उनकी जयंती को मना रहे हैं। लेकिन जयंती को मनाते हुए हम सीधे तौर पर इस बात का ऐलान करते हैं कि साथी सजग, जिन विचारों और आदर्शों पर चलते थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, जिनके विचारों और आदर्शों पर चलकर इस बेगूसराय की धरती के तमाम छात्रों के हक और हुकूक के लिए लगातार संघर्ष करते थे, लगातार लड़ाई करते थे, उनके इन विचारों और आदर्शों को और उनके इन मांगों को और उनके जो विचार थे, इन विचारों को पूरा करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए
हम प्रतिबद्ध रहेंगे और आगे तक जहां तक लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी यहां से लेकर संसद तक उनके सपनों को साकार कराने के लिए हम लोग लड़ेंगे। और बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की लड़ाई को हम लोग लगातार जारी रखेंगे। कैंपस में लोकतांत्रिक माहौल कायम हो इसके लिए हम लोग लगातार जारी रखेंगे, तभी इनके सपने को हम लोग साकार कर सकते हैं।